बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अंडर रूट फाइव और अंडर रूट सेवन हमने अभी सीखना है। सबसे पहले हमने देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने इनको लेके जाना है परफेक्ट स्क्वायर्स के पास। इन दोनों को, ये वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स का स्क्वायर 36। ये थे परफेक्ट स्क्वायर्स। जब हमने अंडर रूट फाइव को करना होगा हमने, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने लेके जाना है परफेक्ट स्क्वायर के पास। जैसे टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर होता है, तो इसको हम लिखेंगे फोर प्लस वन फाइव। ये टू का स्क्वायर हो गया फोर, प्लस वन का स्क्वायर हो गया वन। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि जब हम टू का स्क्वायर और अंडर रूट लेते हैं तो ये टू आ जाता है। इसका आंसर तो आ जाएगा टू, ये प्लस से आगे। ठीक है, इट मीन्स इसकी जो अंडर रूट फाइव की जो लोकेशन है ना, वो टू से आगे बनती है। ठीक है, वन पॉइंट जो है ना, वो हमने अंडर रूट वन हमने उससे आगे जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम अभी देखते हैं कैसे करेंगे। ये नंबर लाइन है एल, ये ओ है, और ये राइट साइड पे वन टू, इधर माइनस वन माइनस टू। तो हमने ये देखा कि टू तो ऑलरेडी पूरा पूरा है। अगर हम इसको लेके जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर के पास, तो वो क्या होता है, टू का स्क्वायर फोर, अगर फोर का अंडर रूट लेंगे तो वो टू आ जाएगा। टू तो ऑलरेडी है, तो हमने वन पॉइंट आगे जाना है। तो टू ऑलरेडी है, तो फिर हम टू के ऊपर जो है ना, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, ये 90 का एंगल हो जाएगा। ये हमने प्रोटेक्टर डी के साथ हमने करना है इसको ड्रॉ। अब हमने क्या करना है कि चूंकि हमने सिर्फ वन पॉइंट आगे हमने जाना है, ठीक है, टू से, ठीक है, वन यूनिट आगे जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो जीरो और वन का इंटरवल जो है ना, इतनी सी हम जो है ओपन करेंगे कंपस, इतनी सी। ठीक है, इधर रख के, तो इधर हम जो है ना, वो ऐसे कम लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। इधर रखनी है उसकी एक साइड कंपास की, और पेंसिल जो है ना, वो ऐसे आर्क लगा दी। ठीक है, तो ये हो गया वन यूनिट, ये वन हो गया, क्योंकि ये फोर प्लस वन है, टू स्क्वेयर प्लस वन, ये वन है, तो वन हमने फोर से आगे वन आगे जाना था। ठीक है, अब इसको हम जो है ना, ये जो पॉइंट है, इसको जीरो से हम ऐसे मिला देंगे। अब ये देखें, यहाँ से लेके, जीरो से लेके ये टू आ गया और ये वन आ गया, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं ये कितना होता है। पता है ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये 90 के अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। इस पे पाइथागोरस थ्योरम जो हम अप्लाई करते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड। ये क्या हो गया, फोर प्लस वन, ये हो गया अंडर रूट फाइव। तो ये जो ना, हमने गलती से ये लगा दिया है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये फोर प्लस वन हो गया, ठीक है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया। हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो ये अंडर रूट दोनों साइड का ले लिया, ये कैंसिल हो गया, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट फाइव के। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गई है, अंडर रूट फाइव। अब हमने ये लेंथ तो हमारे पास आ गई अंडर रूट फाइव, लेकिन इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो उसका तरीका यही है कि ये हमने जो इधर आर्क लगाई थी ऐसे, इसको हमने जो है वो लेके जाना है ऐसे डाउन, नीचे ऐसे हमने आर्क लगानी है, ऐसे इधर से रख के ऐसे हम करेंगे। ठीक है, तो जब ऐसे करेंगे तो ये जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट कर रही है, तो ये पोजीशन जो है ये है अंडर रूट फाइव की। इस तरह से अभी हम सीखेंगे कि अंडर रूट सेवनटीन को कैसे हमने करना है
रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। इसको भी जो ना हम नियर बाय जो इसका है परफेक्ट स्क्वायर उसके पास लेके जाएंगे, जैसे 16 प्लस 1 17, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर अंडर रूट ये तो काट जाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने 4 से आगे जो है ना 1 पॉइंट हमने आगे जाना है, ठीक है। तो इसको जब हम नंबर लाइन पे हम जाएंगे एल 0 1 2 3 4, तो फोर तो ऑलरेडी फोर तक तो हम पहुंच चुके हैं, उसके आगे जाना है। तो इस जो फोर जो है ना इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे प्रोटेक्टर की मदद से, क्योंकि हमने वन यूनिट आगे जाना है। तो जीरो से लेके वन तक ये जो ये डिस्टेंस जो है इसके बराबर हम इसको यहाँ पे कंपास को ओपन करके तो ऐसे हम लगा देंगे आर्क, ठीक है। अब इस जो है ना इस पॉइंट को इस ओ के साथ हम मिला देंगे ऐसे। अब हमें ये पता है कि ये तो डिस्टेंस हमारे पास फोर है, ये जो है हमने चूंकि वन के बराबर आर्क लगाई है तो ये हमारे पास वन है, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के अपोजिट साइड पे होता है हाइपोटेन्यूज, इस पे अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड, ये आ गया 16 प्लस 1 आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो इसका अंडर रूट ले लिया, इसका अंडर रूट ले लिया, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया 17 अंडर रूट। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो लेंथ है जो हाइपोटेन्यूज है ये 17 अंडर रूट आ गया है, लेकिन हमने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने आर्क लगाई थी इसको हम ऐसे आगे एक्सटेंड करेंगे इस साइड पे ताकि वो नंबर लाइन पे जाके तो कट कर दे। तो जहाँ पे ये कट करेगी तो ये वाली जो पोजीशन होगी ये होगी अंडर रूट 17। तो इस तरीके से हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अंडर रूट 17 जो कि इरेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे। इस तरीके से अगर हमारे पास 26 अंडर रूट है तो हम उसको करेंगे परफेक्ट स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। 5 स्क्वायर इज 25, तो यानी हम 5 पे जो ना वो लेके परपेंडिकुलर लेके, तो जिस तरह से ये प्रोसीजर किया सेम प्रोसीजर करेंगे कि इतनी आर्क जो है ना इतनी जो है कंपास ओपन करके तो वो 5 पे लगा देंगे और सेम प्रोसीजर जो है ना हम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इसकी जो है आ जाएगी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो 37 अंडर रूट जो है उसको हम लेके जाएंगे 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 1 37, तो नंबर लाइन पे क्या होगा कि जहाँ पे 6 आएगा उसके आगे जो है ये 37 है अंडर रूट। तो उसमें क्या होगा कि हमने 1 इंटरवल के इक्वल हमने यहाँ पे हमने पेंडिकल ड्रा करके 1 इंटरवल के इक्वल हमने जो है ना उसको लगानी है आर्क लगानी है और ये 0 पे जो है ना उसको काट देना, ठीक है। तो इसका जब हम करेंगे तो हमारे पास जब इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारे पास 37 अंडर रूट आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो आर्क है इसको हम ऐसे लेके जाएंगे तो ये जहाँ पे ये कट करेगी ये अंडर रूट 37 आ जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन।